हमारे सभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। नमस्कार, मैं संतोष भगत, आप देख रहे हैं स्वतंत्र सागर न्यूज, आपका स्वागत। हम खड़े वसई फाटा के रिचर्ड कंपाउंड का ये मनीचा पाड़ा क्षेत्र है। आप पीछे देख रहे हैं, बोर्ड पे दिखाई दे रहा है मनीचा पाड़ा। ये यहाँ पे पूरा स्लम एरिया है, और स्लम एरिया है, काफी बड़ी तादाद में यहाँ जनसंख्या रहती है। बंदी के समय और लगभग लग रही है हर एक काफी गरीब तबके का इंसान है। हर रोज पर दैनिक आधार पर वो लोग अपना गुजारा करते हैं। आप लोग आठ दिनों से लॉकडाउन है, उसके बाद में रोजगार नहीं है, तो कहीं ना कहीं कुछ समस्या उनको अपने खाने पीने की हो चली। हम यहाँ अभी बात कर रहे थे लोगों से, मदद आई, कई चीज़ें हमें जानकारी मिली है। हालांकि प्रशासन अपना काम बखूबी कर रहा है, और प्रशासन ये लगातार कोशिश कर रहा है कि ऐसे लोगों तक पहुँचा जाए, और उन लोगों तक जो है ज़रूरत का सामान वो पहुँचाया जाए। तो इसी कड़ी में प्रशासन हो या को दिखाने के लिए तहसीलदार साहब उनके समाज का जिम्मेदार होने के नाते नंबर जारी किया हुआ है। मैं मुझे जब मालूम पड़ा तो मैंने भी यहाँ का ये दौरा किया, और प्रशासन को कहीं ना कहीं इन लोगों की तकलीफों को भी ध्यान में रखकर जितना जल्दी हो सके इन तक मदद पहुँचानी चाहिए। ये बता दें कि ये लोग, इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं मालूम कि उनकी शाम को उनका चूल्हा जलेगा कि नहीं, उनको ये नहीं मालूम कि अगले 5 दिन बाद में क्या होगा। कहाँ गए थे आप? एक बार फिर से बोलते हैं, प्रशासन इस समय जो काम कर रहा है वो सलाम के काबिल है। प्रशासन का कोई डाउट नहीं है, प्रशासन 24 घंटे काम कर रहा है। कौन सा लेकिन जिम्मेदारी हम अपनी निभाते हुए प्रशासन तक ये बात पहुंचाने के लिए आए हैं। वैसे ऐसे यूसुफ, और किस तरह की दिक्कत आपको भी लग रही है? आपको रोजमर्रा अभी खाने पीने के लिए भाजी और ये सब चीज मिल पा रही है? ये लोग अपने पैसे से लाते हैं और खाते हैं। जिसके पास है वो लाता है, गरीब दिखाता है, जिसके पास नहीं है वो क्या करेगा? क्या है वो सब कुछ जो गवर्नमेंट ने हमको पैकेज देने का ऐलान किया, वो सब हम लोग को कुछ भी नहीं मिला है। अभी कोई आया भी नहीं अभी तक ऐसा। हम लोग को संतना दे के जाए कि तुम लोग इधर रहो, तुम लोग को मिलेगा या कुछ होगा ऐसा। एक आध महीना आपको इंसान जेल लेता, अभी 2-3 महीना ऐसे जाएगा तो कैसे घर पर खर्चा? और बाकी हम लोग को और सब कुछ प्रॉब्लम है। 7-8 लोग हैं, वो लोग कैसे क्या करेंगे? जो आप भी आप बोल रहे हो कि अपना खुद जो आपके पास बचत है उससे भाजी वगैरह ला रहे, तो आपको अपने बचत से ही ला रहे नहीं, उसमें आपको भाव बराबर लगाया जा रहा है? नहीं, ज्यादा भाव भाव कोई ज्यादा दे रहा है, कोई कम भी दे रहा है, ऐसा नहीं है कि सब एक ही जैसे हैं। भाव का भी तो अभी तो सब एडजस्ट करके चला ही रहे हैं, भाव का तो बात ऐसा नहीं है। उसकी आपने शिकायत की कहीं पे कि यहाँ महंगा बेचा जा रहा है? लेकिन हम लोग अभी इधर तो कुछ नहीं कम्प्लेन किए ना, कहीं भी हम लोग इधर कहीं कम्प्लेन नहीं, कोई आया ही नहीं। हाँ, हम लोग को पुलिस भी आती है कभी कभी, तो सब दुकानें बंद हो जाती हैं, सब आदमी भागने लगता है। पुलिस 2-3 बार इधर आके गई, कोई आया ही नहीं, ना नगर पालिका ना कोई भी। और एक दिन इधर सुना कि वो आधार कार्ड लेके जाओ, पैकेट कुछ ऐसा मिल रहा है, वो कभी इकट्ठा होके गई वहाँ पे, तो किसी लोग का सुनता हूँ नाम लिखा गया, किसी लोग का नहीं लिखा गया। आप लोग के पास आधार कार्ड वगैरह है? वो तो यूपी से बना है, महाराष्ट्र का भी है, लाइट बिल है, रूम भी इधर है, ये सब जो 40 का रूम है, बहुत लोग का पर्सनल खुद का रूम भी है इधर, भोजन भाड़े से भी है, भोजन भाड़े से पब्लिक तो सभी है, पब्लिक तो बहुत है साहब। तभी आप लोग को क्या, आप लोग की मांग है क्या, आपकी उम्मीद है कि आपको क्या होना चाहिए? मांग हम लोग का ये है कि हम लोग जैसे अब यहाँ पे हैं, काम धंधा बंद है, आदमी भी रूम पे बैठे, हम लोग भी वही है, जो हम लोग का घर में बैठ के थोड़ा बहुत काम धंधा करते थे, 150 कमाते थे, वो भी बंद है। तो हम लोग का मांग है कि हम लोग का मदद करें। समस्या तो है, लॉकडाउन हुआ है, जो भी रोजमर्रा के काम करने वाले लोग हैं उनका घर कैसे चल रहा है उनको पूछने के बाद ही मालूम पड़ेगा, वो तो समस्या ही है। अभी फिलहाल आप लोग के खाने का क्या बंदोबस्त है? अभी तो फिलहाल सब लोग अपनी तरफ से खा पी रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई मुहिम नहीं हुई है, देखें आगे क्या होगा। जो रोजमर्रा की चीजें, भाजी है, दूध है, वो सब चीज़ बराबर समय पर और सही दाम में, वाजिब दाम में मिल रहा है? मिल रहा है बराबर।
वाजिब दाम में मिल रहा है? हाँ, वाजिब दाम मिल रहा है। क्या कुछ आपकी मांग रहेगी इस समय? तो फिलहाल कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट से यही मांग रहेगी कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लेबर वर्कर्स हैं, उनके लिए थोड़ा ध्यान दिया जाए, क्योंकि ज़्यादा दिन तक लॉकडाउन रहेगा तो उनकी खाने पीने की समस्या आ सकती है सामने। आपने कहीं पर संपर्क किया था क्या?